नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त के खास हेडलाइंस पर। आतंकी संगठन ISI ने श्रीलंका ब्लास्ट के लिए जिम्मेदारी। मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंची 321 पर, जिसमें 10 भारतीय भी शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। कोर्ट में पेश न होने के कारण हुआ वारंट जारी। सीधी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह भूले मर्यादा। चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में बीजेपी प्रत्याशी को माल कहकर किया संबोधित। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। प्रज्ञा ठाकुर समेत पूरी बीजेपी को लिया आड़े हाथों। और कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया दाखिल। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। और आइए अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए भयानक आत्मघाती हमलों की मंगलवार को जिम्मेदारी ली। वहीं श्रीलंका के एक वरिष्ठ मंत्री ने संसद को बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार स्थानीय इस्लामी कट्टरपंथियों ने न्यूजीलैंड की मस्जिदों में हुई गोलाबारी का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था। ईस्टर के दिन गिरजाघरों और लग्जरी होटलों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर 321 हो गई है। मृतकों में 10 भारतीय सहित 38 विदेशी नागरिक भी शामिल है। आत्मघाती हमलावरों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए एक वैन के चालक सहित 40 संदिग्धों को हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। श्रीलंका में मंगलवार को एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। इन हमलों में मारे गए लोगों की याद में सुबह देश में 3 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा झुका दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में इन नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है। राउस एवेन्यू कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई में ये नेता पेश नहीं हुए थे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। कोर्ट में गैर जमानत वारंट को रद्द करने को लेकर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने पेशे से वकील सुरेंद्र शर्मा को साल 2013 में दिल्ली के शाहदरा से टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर किसी और नेता को दे दिया गया। सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि उनको ये कहते हुए टिकट काटा गया कि उनकी छवि आपराधिक है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इससे उनकी छवि समाज में खराब हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर समेत पूरी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ओझा ने कहा कि गुंडागर्दी बीजेपी के DNA में है। बीजेपी से जुड़े संगठन गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन ये बीजेपी को दिखाई नहीं देता है। साथ ही ओझा ने रामेश्वर शर्मा के भगवा झंडे वाले बयान पर कहा कि रामेश्वर और प्रज्ञा ठाकुर भोपाल के विकास की बात चुनाव में नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। ना ही मोदी ने अपने 2014 के वादे पूरे किए हैं, इस बार के चुनाव में जनता बीजेपी को नकारने वाली है। गुंडागर्दी तो भारतीय जनता पार्टी के DNA में है और उसके चलते हमने पूरे देश में देखा है कि चाहे वो दलित अत्याचार हो, चाहे गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, या जो हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार, चाहे अकलक वाली बात करें, चाहे तमाम चीज़ों में हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन अत्याचार करते आए, तो कोई ये नई बात नहीं। भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जब से प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है, तब से सियासत गर्मा गई है और विरोधी लगातार उन पर हमले बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने कहा कि साध्वी झूठ बोलने की आदी हैं, जब से उम्मीदवार बनी हैं तब से झूठ बोल रही हैं। उन्होंने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया है, साथ ही देश की जनता का भी उन्होंने अपमान किया है। शोभा ने कहा कि साध्वी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही थी कि उन्हें हमने प्रताड़ित किया है, लेकिन शिवराज के राज में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही ओझा ने कहा कि प्रज्ञा आज जनता को यह नहीं बता रही हैं कि वे भोपाल के लिए क्या करेंगी। देखिए, एक तो सरासर झूठ बोलने की आदी है प्रज्ञा ठाकुर। हर बात, जिस दिन से वो उम्मीदवार बनी, हर बात वो झूठ बोल रही है। शहीद करकरे जी के मामले में उन्होंने झूठ बोला, एक शहीद का अपमान किया,
एक ही शहीद ने पूरे देश के शहीदों का अपमान किया, पूरे देश की जनता का उन्होंने अपमान किया जिस तरह से उन्होंने अपशब्द कहे शहीद करकरे जी के लिए। साथ ही कांग्रेस के लिए भी हर बात वो झूठ बोल रही है। दो बार मध्य प्रदेश में उनकी गिरफ्तारी हुई, दोनों बार शिवराज सिंह चौहान सरकार के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो उन्होंने अपने भी प्रताड़ना के भी आरोप लगाए, वो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे हाई कोर्ट महाराष्ट्र हो, तमाम लोगों ने उस बात को नकारा था। तो ये तो आदतन मैं समझती हूँ झूठ बोलती। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी लगातार अनियमितताएं बरत रहे हैं। मामला सागर जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय केसली का है, जहां भौतिक निरीक्षण किया तो प्राथमिक सुविधाएं भी छात्र और छात्राओं को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जब महाविद्यालय में पदस्थ कर्मियों की उपस्थिति के बारे में बात की गई तो वहां मौजूद दो कर्मियों ने बताया कि प्रिंसिपल सहित 8 कर्मियों की ड्यूटी यहां पर है, लेकिन समय पर कोई नहीं आता। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में नामांकन भरा। अरुण यादव ने नामांकन भरने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर कहा कि चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरुण यादव स्वयं निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करते नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक शेरा भैया की पत्नी जयश्री ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। खंडवा से जयप्रकाश राठौर की रिपोर्ट। मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी, प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का इस अवसर पर धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और एक बार पुनः खंडवा लोकसभा क्षेत्र से मुझे मेरी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं सबका आभार करता हूँ। मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी और कांग्रेस के तमाम खंडवा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी आभार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी मुझ में विश्वास जताया और ये चुनाव समर में होते हैं और निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का भाजपा सांसद रीति पाठक को लेकर एक गलत बयान दे दिया गया है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अजय सिंह का यह बयान सीधे में एक संबोधन के दौरान का है, जिसमें वो भाजपा सांसद रीति पाठक को माल कहते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता अजय सिंह सीधे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रीति पाठक पिछले चुनाव में मोदी हवा में सांसद बन गई, लेकिन सांसद बनने के बाद वे अपनों के बीच में लौट के नहीं आई, ना लौट के आएंगी। उनको आजमा चुके, वे ठीक माल नहीं हैं। रीति पाठक सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। भाजपा ने एक बार फिर रीति पाठक पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने रीति पाठक के खिलाफ अजय सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीधी लोकसभा सीट विंध्य इलाके में आती है। यह एक ऐसी सीट मानी जाती है जिस पर कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। ना लौट के आई, आगे तो उबे न करी, ना लौट के आई, ना सांसद मत से कौनो चीज अपना के या गांव या बड़ौर में कही दी। तो भैया उनका तो अजमा चुके हैं, वो ठीक माल नहीं बा हम आवाज। चुनाव को लेकर एसपी दीपक शुक्ला ने सिंगरौली कलेक्टर केवीएस चौधरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें खनिज परिवहन पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस पत्र में 27 तारीख की शाम 6 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रोक लगाने की बात कही गई है, जिसमें कोल परिवहन और अन्य भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है। मतदान दल और पुलिस दल के आवागमन के चलते एसपी ने कलेक्टर को यह पत्र लिखा है। ब्लॉक केसली के ग्राम पंचायत तड़ा में पेयजल की समस्या का निराकरण बहुत जल्द दिया जाएगा। पीएचई विभाग के जिम्मेदार एसडीओ प्रांजलि राय सहित विभाग के इंजीनियर ने बताया कि तड़ा ग्रामवासियों को 15 दिन के अंदर पाइपलाइन बिछाकर ग्रामीणों तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। पीएचई विभाग के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और ग्रामीण इस आश्वासन से काफी खुश नजर आए। सागर से ब्यूरो अमित दंधेरिया की रिपोर्ट। ये अपन ने इसका सोर्स जो लिया है वो पुराने वाला झोलनपुर गांव है, वहाँ से अपन ने एक डगवेल मिला है
तो उस डगवेल से जो पुराना सोर्स था अपना डगवेल का, वहाँ तक अपन 15 दिन में इसको कर देंगे कंप्लीट, तो डायरेक्ट सप्लाई होने लगेगा जी। तो ये अपने ग्रामवासियों को जो समस्या है, हाँ, तो समस्या का मतलब निदान हो जाएगा, 15 दिन में लोगों को पानी मिलने लगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रही है 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।